हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 6:15 बजे और हम आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं बहुत जल्दी उठ के, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं भीमलत वाटरफॉल। और उससे पहले हम लोगों ने सुना है कि यहाँ पे एक फेमस टी स्टॉल भी है, तो पहले चाय पियेंगे उसके बाद भीमलत वाटरफॉल चलेंगे। तो भीमलत वाटरफॉल का डिस्टेंस यहाँ से पड़ेगा बूंदी से 40 किलोमीटर। तो अभी जल्दी चलते हैं, हेलमेट उठा लेता हूँ मैं, तो आपको मिलता हूँ मैं अब हेलमेट के थ्रू। तो अभी कृष्णा टी स्टॉल तो बंद मिला है और टाइम हो गया है 6:26 का। तो अभी चलेंगे सीधा भीमलत वाटरफॉल। तो अभी हम आ गए हैं अजमेर कोटा वाले फ्लाईओवर पे और बहुत अच्छी टनल है, तो इसका ड्रोन शॉट दिखाते हैं आपको ऊपर से। राजस्थान का टोल, तो ये देखो बिल्कुल एक अलग टाइप का है दौलतपुरा टोल। तो अपने एक्सप्रेसवे हाईवे से काफी अलग टाइप का टोल है। अभी हम हैं भीमलत वाटरफॉल से करीब 5 किलोमीटर पहले और नीचे व्यू देखो भाई, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग। और अब हल्का हल्का हम ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के ऊपर चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और नीचे व्यू देखो आप, तो बहुत शानदार। हमेशा मतलब राजस्थान ऐसा लगता था कि राजस्थान को इमेजिन करके कि हाँ राजस्थान तो बस सूखा डेजर्ट है, बट राजस्थान उससे भी काफ़ी ऊपर है। और यहाँ से आप देख सकते हो ट्रेन भी जा रही है, तो वो भाई काफ़ी बढ़िया यार। और पूरा ब्रिज है वो ट्रेन का, जैसे कि वहाँ पे आप देखोगे ना ब्रिज दिख रहा है और वहाँ से सीधा ट्रेन जा रही है। यहाँ से है भीमलत वाटरफॉल का रास्ता और पूरा फॉरेस्ट के अंदर से हम लोगों को जाना पड़ेगा, और ये एरिया पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ही है, तो जैसे कि आप देख सकते हो। तो भाई मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है ये और बारिश के बाद तो और ज़्यादा सुंदर लग रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉन्ट्रास्ट कलर आपको बारिश के बाद देखने को मिलते हैं, तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है। और यहाँ पे मतलब ऐसा भी बोलते हैं कि जंगली जानवर कुछ आ जाते हैं, तो अभी ऐसा तो मतलब कुछ ना ही हो तो बढ़िया है, उतना ज़्यादा एडवेंचर भी नहीं चाहिए। ओ भाई मतलब सीधा व्यू देखो आप, एकदम सीधा रोड है, क्या कमाल की जगह है, काफ़ी बढ़िया है भाई, काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल मतलब जंगल के बीच से जा रही है ये रोड। मेरे राइट साइड में टाइगर रिजर्व का भी पीछे बोर्ड लगा रखा था, तो पक्का यहाँ पे मतलब टाइगर मिलते होंगे। और एरिया तो देख लो यार, पूरा फॉरेस्ट है, तो उसी हिसाब से ये पूरी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर रखी है। और इसका नाम है लव कुश वाटिका, तो यहाँ से इसकी एंट्री है। और ये देखो मतलब तो पूरा टाइगर की थीम पे, वो रणथंभौर जब हम गए थे तब भी सेम ही था,
तो अब यहाँ से बस 500 मीटर दूर रह गए हैं। तो वो वाला रास्ता तो हमें टूटा हुआ मिला, तो अब ये एक और रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं, और पूरा ही ऑफ रोडिंग है। तो अभी देखते हैं। तो वैसे तो नेविगेशन तो दिखा रहा है, मतलब कि वो वाटरफॉल पास ही है, बट देखते हैं आगे तो बिल्कुल रोड ही नहीं है। सो फाइनली वाटरफॉल पहुंच गए हैं, और भाई एक नंबर। फाइनली भयंकर एडवेंचर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं भीमलत वाटरफॉल, और यहाँ पे एक टेंपल भी है हनुमान जी का, और पीछे आपको स्टॉल भी मिल जाएंगी चाय पानी की। और आप जैसे कि देख सकते हो कि हनुमान जी का मंदिर है, तो काफ़ी सारे बंदर भी यहाँ पे हैं। और आवाज़ सुनो आप, अगर वाटरफॉल की आपको आवाज़ आ रही होगी ना, तो भाई क्या अमेजिंग व्यू है, मतलब पूरा प्रॉपर मज़ा आ गया इतना एडवेंचर करने के बाद। जो रास्ते में लास्ट वाला रोड टूटा हुआ था, ओहो भाई सही बताऊ मैं, मतलब ऐसा लग रहा है मैं टीवी के ऊपर स्क्रीन के ऊपर ये सब देख रहा हूँ, बट आप रियल में देखोगे ना इस चीज को, तो वो आप रियल में आके एक्सपीरियंस कर सकते हो ऐसी ऐसी चीजें। जा रहे हैं तो जहां पे पूरा वाटरफॉल नीचे पानी गिरता है, तो अभी वहां पे जाने के लिए यहां से रास्ता है, और नीचे एक महादेव जी का टेंपल भी है। तो देखते हैं कितना टाइम वहां तक लगेगा, और रास्ता आप देख सकते हो कि प्रॉपर सीढ़ियां बना रखी हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे एक भैया ने बताया था कि हमें 10 मिनट के करीब लग जाएगा नीचे पहुँचते, और यहाँ से आप देखो व्यू, यहाँ पे महादेव जी का मंदिर है। तो कुछ रास्ता हम लोगों ने कवर कर लिया है, बाकी अभी नीचे जा रहे हैं। कितना नीचे हो रहा है क्या भाई, कितना नीचे और रह गया बस? अच्छा ये तो नीचे ही आ गया, बस ज्यादा दूर नहीं है। बना लो सबकी बना लो। तो हम जस्ट वाटरफॉल के पास पहुंच गए हैं, तो पानी की स्ट्रीम इतनी तेज है कि यहां तक पानी की बौछार आ रही है, और जितना मैं नीचे जाता जा रहा हूँ उतनी ही ज़्यादा बढ़िया व्यू मेरे को दिखाई दे रही है। ओ भाई बहुत अच्छा यार, एकदम ठंडी हवा चल रही है भाई, और जैसे कि आप देख सकते हो ना, मतलब हल्की बौछार आ रही है, ऐसा लग रहा है प्रॉपर टिपिकल किसी जंगल में आ गया हूँ।